Hey friends, welcome to my channel The Frying Pan. मैं हूँ श्वेता और आज हम बनाएंगे क्रीमी चॉकलेट पुडिंग, क्योंकि कुछ मीठा हो जाए. एंड दिस डेजर्ट इज नो एग नो अवन, बनाने में भी आसान और खाने में भी आसान. एंड हु सेज नो टू चॉकलेट, सो मेक दिस क्रीमी चॉकलेट पुडिंग एट होम विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स. घर पे लीजिए रेस्टोरेंट का स्वाद और देखते रहिए द फ्राइंग पैन. तो चलिए बनाते हैं एक्सट्रीमली टेम्प्टिंग क्रीमी चॉकलेट पुडिंग. चॉकलेट पुडिंग बनाने के लिए ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं 50 ग्राम डार्क चॉकलेट, 2 टेबल स्पून अनस्वीटेंड कोको पाउडर, 1/2 कप शुगर, 1 टेबल स्पून राइस फ्लावर, 2 टेबल स्पून कॉर्न स्टार्च एंड 1 पिंच सॉल्ट. वेट इंग्रेडिएंट्स में 2 कप होल मिल्क, 3 टेबल स्पून हैवी क्रीम एंड 1/2 टी स्पून वनीला एसेंस. सबसे पहले हम चॉकलेट को छोटे छोटे चंक्स में तोड़ लेंगे. मैंने यहाँ पे 78% कोका की डार्क चॉकलेट यूज़ करी. आप नॉर्मल चॉकलेट भी यूज़ कर सकते हैं. डार्क चॉकलेट यूज़ करने से पुडिंग में बहुत अच्छा चॉकलेटी फ्लेवर आता है और ये थोड़ा अनस्वीटन है, इसलिए ये हेल्दियर ऑप्शन है. आप नॉर्मल चॉकलेट भी यूज़ करेंगे तो भी पुडिंग बहुत ही अच्छी बनेगी. अब हम एक सॉस पैन में ड्राई इन्ग्रीडियंट्स मिक्स करेंगे. कोको पाउडर डालते हैं पहले. ये छान लिया था मैंने, ये ज़रूरी है, आप इसे छान कर यूज़ करिएगा. फिर इसमें 1/2 कप शुगर, 1 टेबल स्पून राइस फ्लावर, 2 टेबल स्पून कॉर्न फ्लावर और 1 पिंच सॉल्ट. इसको बलून विस्क से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं. इसमें लम्स नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए आप इसको छान कर यूज़ करिए. सारे इन्ग्रीडियंट्स को मैंने छान कर रखा हुआ था और अच्छे से इसको मिक्स करना है जिससे इसमें लम्स ना पड़े. इसलिए आपके पास बलून विस्क है तो आप उसका यूज़ करिए. फिर इसमें थोड़ा थोड़ा करके मिल्क मिलाएंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे. ये ध्यान रखना है कि इसमें लम्स ना पड़े. ये चॉकलेट पुडिंग बहुत ही सिंपल है और इसमें इंग्रेडिएंट्स भी बहुत कॉमन है, वो सब घर में अवेलेबल होते हैं इन जनरल. तो आप इसे जब मन करे तब बना सकते हैं और ये बहुत बहुत टेस्टी होती है. आप इसे ज़रूर ट्राई करिए. जो बचा हुआ मिल्क है वो भी डालकर इसे अच्छे से फेंट लेते हैं और बस इसे ऐसे चलाते रहना है जिससे इसमें लम्स ना पड़े. ये बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है क्योंकि अब हम इसे गरम करेंगे, इसे पकाएंगे. मीडियम फ्लेम में इसको अच्छे से पकाना है. ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10 मिनट में ये अच्छा थिकर हो जाएगा. तो आप इस स्टेज पर इसको चलाते रहिएगा जिससे ये नीचे से जमे नहीं और इसमें लम्स भी फॉर्म ना हो. तो यहाँ पे कंटिन्यूस चलाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें कॉर्न स्टार्च है तो ये नीचे से जल सकता है, लग सकता है. तो ये देखिए, इसको 10 मिनट लगे हैं इस तरीके की कंसिस्टेंसी में आने के लिए. इस स्टेज में हम इसमें मिलाएंगे वनीला एसेंस. मैं इसमें डाल दूँगी 1/2 टी स्पून वनीला एसेंस. इसे थोड़ा मिक्स करके फिर इसमें डालेंगे चॉकलेट. जो क्रश करके चॉकलेट्स रखी हुई थी वो डाल देते हैं. ये 50 ग्राम डार्क चॉकलेट है. इस पूरी रेसिपी में आपको मेजरमेंट का बहुत ध्यान रखना है और इसे अच्छे से मिक्स करके एक सा कर लेते हैं. आप देखिए कितना अच्छा चॉकलेट का फ्लेवर आया है, कितना अच्छा कलर आया हुआ है. और अब इसमें डालेंगे क्रीम और इससे इसका टेक्स्चर और भी अच्छा हो जाएगा. यहाँ पे मैंने 3 टेबल स्पून हैवी क्रीम यूज़ करी है और इससे बहुत क्रीमी टेक्स्चर आता है और इसका कलर इतना सुंदर हो जाएगा, आप देखिएगा इसको मिक्स करने के बाद. चॉकलेट डालने के बाद मैंने गैस बंद कर दी थी क्योंकि वो ऑलरेडी काफ़ी गर्म है. बस इसमें अपने चॉकलेट और क्रीम मिक्स करने हैं. तो ये अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद आप इसको रख दीजिए रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए बिफोर पोरिंग इनटू सर्विंग बोल. इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी रहेगी. जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा रूम टेम्परेचर पे तो ये थोड़ा और थिक हो जाएगा, इसलिए ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है. अब मैं इसको रख देती हूँ रूम टेम्परेचर पे, थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब इसको सर्विंग बोल में डाल दूंगी. मेरी पुडिंग नॉर्मल टेम्परेचर में आ गई है तो मैंने इसको निकाल लिया है सर्विंग बोल में.
लेकिन अभी ये खाने के लिए रेडी नहीं है, इसे पहले रखेंगे फ्रीजर में 2 घंटे के लिए, फिर सर्व करेंगे, क्योंकि पुडिंग ठंडी अच्छी लगती है। आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब किया कि नहीं? अगर नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं, तभी तो आपको मेरी अच्छी अच्छी नई नई रेसिपीज मिल पाएंगी। वाह, मैंने इसे फ्रीजर से निकाल लिया है और ये बहुत अच्छे से जम गई है। अगर आपकी पुडिंग थोड़ा कम जमी है तो आप इसे और देर के लिए रख सकते हैं। और अब इसे गार्निश करते हैं और ये रेडी है सर्व करने के लिए। मैंने यहाँ पे वाइट चोको चिप से इसे गार्निश किया है, बहुत ही टेस्टी है। और ये कितनी सिंपल, कितनी क्विक थी, आप इसे आज ही घर पे ट्राई कर सकते हैं। और इसको जितना ज़्यादा खाने का मज़ा है, उससे कहीं ज़्यादा इसे बनाने में मज़ा आया। आप घर पे ज़रूर इसे ट्राई करिएगा, अपने किड्स के साथ, अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ, और साथ में बनाइए, साथ में खाइए, ये बहुत टेस्टी है। आई कांट रेजिस्ट टू हैव इट। प्लीज़ इस क्रीमी चॉकलेट पुडिंग को घर पे ज़रूर ट्राई करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसी लगी। प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल द फ्राइंग पैन को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मैं मिलती रहूँगी आपको एवरी मंडे, वेंसडे और फ्राइडे। तब तक आप बनाते रहिए मेरी रेसिपीज विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड टेक केयर। थैंक यू।